कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह कहावत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला अस्पताल की मोर्चरी में देखने को मिली, जहां एक्सीडेंट में मृत घोषित किए गए एक आदमी की जान 7 घंटे बाद वापस आ गई और वह जिंदा हो गया। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के मृत हो जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी। उसके बाद पुलिस शव का पंचनामा करने के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी पहुंची। पुलिस मृतक व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान देख रही थी, तभी एहसास हुआ कि मृतक व्यक्ति की सांसें चल रही है। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में छाया मातम खुशियों में बदल गया और तुरंत डॉक्टर ने आकर उस व्यक्ति का चेकअप किया और इलाज के लिए दोबारा से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार सुबह को 11 बजे जिला अस्पताल में बनी मोर्चरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 7 घंटे बाद मोर्चरी में रखे एक व्यक्ति की सांसें चलने लगी। दरअसल मोजोला थाना क्षेत्र के रहने वाले श्रीकेश नगर निगम में कर्मचारी हैं। देर रात घर से दूध लेने के लिए निकले थे, तभी सड़क पार करते समय श्रीकेश के साथ हादसा हो गया। परिजनों को जब यह सूचना मिली तो उपचार के लिए के बाद एक 3 निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन श्रीकेश को मृत घोषित कर दिया गया। तब परिजनों शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए देर रात ही जिला अस्पताल लेकर आ गए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर मनोज ने भी श्रीकेश का चेकअप करने के बाद मृतक घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में भिजवा दिया गया। शुक्रवार की सुबह जब पुलिस शव का पंचनामा करने की तैयारी कर रही थी, तभी एहसास हुआ कि इस मृत व्यक्ति की तो सांसें चल रही हैं। इस बात की जानकारी वहां मौजूद परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में डॉक्टर को दी। सूचना पर मोर्चरी पहुंचे डॉक्टर ने चेकअप कर उस व्यक्ति के जिंदा होने की पुष्टि करते हुए तुरंत अस्पताल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कराया। इस बारे में श्रीकेश के बहनोई ने बताया कि मेरे साले का कल रात एक्सीडेंट हो गया था, वह मुरादाबाद में नगर निगम में तैनात है। जब इस पूरे मामले की जानकारी जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शिव सिंह से ली गई, तो उन्होंने बताया कि श्रीकेश नाम के एक व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था और उस समय ड्यूटी कर रहे डॉक्टर मनोज यादव के द्वारा पूरा चेकअप करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया था और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए देर रात मोर्चरी में भिजवा दिया गया और पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। CMS का कहना है कि परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि जिला अस्पताल लाने से पहले और कई अस्पतालों में भी श्रीकेश को मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे मामले बहुत रेयर होते हैं। ऐसे मामलों में जब कभी कभी व्यक्ति को चोट लगती है और उसको दवाइयां दी जाती हैं, तो उनका असर बहुत देर बाद देखने को मिलता है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस केस में भी यही हुआ है और दवाइयों का असर बहुत देर के बाद हुआ। शायद इसकी वजह से ही एक बार फिर से उसकी सांसें चलने लगी हैं।